ये सूरज है जो आसमान के इस सिरे से उस सिरे तक रेनडियरों को दौड़ाता ले जाता है। मालूम नहीं ये रेनडियर हैं या कुत्ते। जब बीमारी की बला खेमों पर नाजिल होती तो वो शामान को बुला भेजते ताकि वो ढोल बजा बजा कर और नाच नाच कर इस बला को टाल दे। शामान आसमान से बातें करना जानते थे और रूहों के तौर तरीके से आगाह थे। अभी तक मुगलों में बर्बाद करने वाली रूहों का डर बाकी था। अगर कोई खेमे की दहलीज पर ठोकर खाता तो उसके मानी ये थे कि खेमे पर कोई मुसीबत आने वाली है। अगर कोई भीगे जूते पहने अंदर चला जाता तो उसके लिए ये डर था कि आसमान से उस पर बिजली की चमक और कड़क की मुसीबत नाजिल होने वाली है। कोई मुगल ऐसे खेमे में रहना पसंद न करता जिस पर बिजली गिर चुकी हो। खेमे के अंदर वो भूंडी भूंडी पुतलियां बनाता। खुद खाना खाने से पहले वो जरा सी गिजा उन ऊन की पुतलियों के गालों पर लगा देता। जब शिमाल की काली आंधी के झक्कड़ चलते, ये आंधी बुरान कहलाती थी, और चरागाहों पर मुसीबत फेर देती तो वो भेड़ और हिरन की खालें लपेट के अपने गुंबदनुमा खेमे में अलाव के पास लेट जाता। वो आंधी से ज्यादा जानदार था। उसे पता न था कि इस सर्दी और जाड़े की तवील रातों के बायस उसे शिमाल का जुनून यानी हिस्ट्रिया जाने का डर है, और इसीलिए वो मेलों और जलसों में खूब लुत्फ उठाता है और इतने कहकहे लगाता है कि उसका दम घुटने लगता है। औरतें जो मर्दों से ज्यादा हसास होती हैं, जब इस हिस्ट्रिया में गिरफ्तार होती तो अपने कपड़े फाड़ डालती और चाकुओं से अपना बदन लहू लुहान कर डालती। लेकिन जब बहार में सूरज निकल आता तो जुनून का जोर टूट जाता और मुगल जिंदगी का लुत्फ उठाते। वो चौड़ी चौड़ी गाड़ियों पर जो कबत का कहलाती थी अपने खेमे नस्ब करते और पहाड़ों के जुनूब में निचली जमीनों की तरफ चल पड़ते। बैल आहिस्ता आहिस्ता चरागाहों में इन कबतकाओं को खींचते फिरते। मुगलों को इसका इल्म न था कि उनकी चरागाहों का रकबा दिन रात सिमटता जा रहा है और शिमाल में गोभी की रेत आगे बढ़ती जा रही है और वो खुद भी मुतमद्दन सरजमीनों से दूर होते जा रहे हैं। पहला यूरोपी जो उनके वतन पहुंचा और उनके दरमियान जाके उनसे मिला, एक फ्रांसीसी राहिब विलियम रूबरोक था। तीन पुश्तों के गुजरने के बाद वो उनसे मिला था, लेकिन वो उसकी साफ शहादत देता है कि दश्त में उनकी जिंदगी सबसे अलग थलग थी। उसने उनका नाम तातारी बताया है और कहा है कि जब मैं तातारियों के दरमियान पहुंचा तो मालूम होता था कि मैं किसी और दुनिया में आ गया हूं। वो लिखता है कि तातारियों का अपना कोई शहर नहीं, मुस्तकबिल से वो आगाह नहीं, लेकिन हर सरदार को अपनी चरागाहों का पता है और उसे ये मालूम है कि अपने मवेशियों को सर्दियों और गर्मियों में कहाँ कहाँ चराना चाहिए। गर्मियों में वो गर्म मैदानों में आ जाते हैं। इन चरागाहों में जाड़ों में पानी नहीं होता, जमीन पर बर्फ जम जाती है। उनके खेमे जिनमें वो सोते हैं सफेद ऊन के बने होते हैं। खेमे का ढांचा लकड़ियों का होता है। कभी इस पर नुमाइश के लिए अंगूर की बेलों और चिड़ियों और जानवरों की तस्वीरें बनाई जाती हैं। ये खेमे गाड़ियों में नस्ब किए जाते हैं। गाड़ियों के दोनों पहियों का दरमियानी फासला मैंने नापा तो कोई 20 फीट था। मैंने गिना तो 22 बैल एक गाड़ी को खींच रहे थे। घर का साजो सामान और खजाना ये लोग ज्यादा ऊंची गाड़ियों में ले जाते हैं और इस तरह दरिया पार करते हैं कि ये भीगने नहीं पाता। जब ये भरे हुए खेमे गाड़ियों से उतारकर जमीन पर नस्ब किए जाते हैं तो इनका रुख हमेशा जुनूब की तरफ होता है। खजाने वाली गाड़ी एक पत्थर फेंकने के बराबर फासले पर दो कतारों में खड़ी कर दी जाती है। शादीशुदा औरतें अपने लिए ज्यादा खूबसूरत गाड़ियां बनवाती हैं। एक एक अमीर मुगल या तातार के पास खजाने समेत ऐसी 100 से 200 गाड़ियां होती हैं। जब खेमे नस्ब किए जाने लगते हैं तो पहली बीवी का खेमा मुगल के खेमे के मगरिब में नस्ब किया जाता है। औरों के खेमे थोड़े थोड़े फासले पर मशरक की तरफ लगाए जाते हैं। जब मैंने ऐसे खेमों के एक कारवां को सफर करते देखा तो मुझे महसूस हुआ कि एक बड़ा शहर सफर करता हुआ मेरी तरफ आ रहा है। मैं बैलों और घोड़ों और भेड़ों के गल्ले की इफरात देखकर हैरान रह गया। हालांकि उनकी निगहबानी के लिए आदमी बहुत कम थे। एक एक लड़की 20-20, 30-30 गाड़ियां हंकाती है। इस इलाके में जमीन बिल्कुल हमवार होती है, इसलिए वो गाड़ियों और ठेलों को एक दूसरे से बांध देते हैं और लड़की सामने के ठेले पर सवार होकर बैलों को हंकाती है और बाकी गाड़ियां खुद ब खुद पीछे पीछे चली आती हैं। ये लोग बहुत आहिस्ता आहिस्ता सफर करते हैं, बैल या बछड़े की सी आहिस्ता रफ्तार से। जब खेमा जमीन पर नस्ब होता है तो मालिक का बिस्तर दरवाजे के मुकाबले लगाया जाता है। मालिक के सरहाने ऊन की एक पुतली लटकाई जाती है जिसे मालिक का भाई कहते हैं। जब ये लोग शराब पीने इकट्ठे होते हैं तो पहले कुछ शराब या दूध इस पुतली पर छिड़कते हैं, फिर एक नौकर खेमे के बाहर जाकर एक प्याले से
तीन बार जमीन पर जुनूब की तरफ छींटे देता है। ये नजर आग को दी जाती है, फिर मशरिक की तरफ हवा को नजर देता है, फिर शिमाल की तरफ मुर्दों को नजर चढ़ाता है, फिर वो शराब का प्याला आका और उसकी बीवी को देता है जो बिस्तर पर बैठे होते हैं। जाड़ों में जौ, चावल या दूसरे अनाज की बड़ी अच्छी शराब बनाते हैं। गर्मियों में सिर्फ घोड़ी का दूध पीते हैं जो खेमे के दरवाजे पर खड़ी कर दी जाती है। इसके करीब अपना साज लिए एक मुगन्नी खड़ा होता है। अगर मालिक के एक से ज्यादा बीवी हो तो उसके साथ वो बीवी बैठती है जिसके साथ उसने गुज़श्ता रात गुजारी हो, और दूसरी बीवियां उसके खेमे में आकर शराब पीती हैं। उस दिन मालिक को जो तोहफे मिलते हैं वो उस बीवी के संदूकों में रखे जाते हैं। जब मालिक शराब पीता है तो एक नौकर पुकारता है, हाई, और मुगन्नी गाने लगता है। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। आइंदा आने वाली इकसात से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। बड़ी दावतों में मेहमान तालियां बजाते और नाचते हैं, मर्द मालिक के आगे और औरतें घर की मालिका के सामने। फतह के बाद की ज़ियाफ़तों में ये लोग शराब पीकर बुरी तरह बदमस्त हो जाते हैं। जब ये लोग किसी शख्स की इज्जत अफजाई करना चाहते हैं तो तीन आदमी एक लबरेज जाम लेकर गाते, पैर पटकते उसकी तरफ बढ़ते हैं और उसे पूरा जाम पिला देते हैं। मर्द तीर कमान और जीन बनाते हैं, खैमे और गाड़ियां बनाते हैं, घोड़ों की देखभाल करते हैं, घोड़ियों का दूध पीते हैं, ऊन के कपड़े बुनते हैं और इन कपड़ों को अपनी जीन के नीचे रखते हैं। जाड़ों में ये लोग चमड़े के दो लिबादे पहनते हैं, एक में बालों का रुख अंदर होता है और दूसरे में बाहर। इनके पाजामे भी चमड़े के होते हैं। अक्सर वो अपने कपड़ों में रेशम की झालर लगाते हैं जो हल्की नरम होती है। पहाड़ी भेड़ों के सींगों से वो शराब पीने के लिए गहरी गहरी प्यालियां बनाते हैं। ये इतनी बड़ी होती हैं कि मेरे लिए एक हाथ में दो प्यालियां संभालना मुश्किल हो गया। ये तातारी बड़े मशाक शिकारी होते हैं, शिकार से अपनी खुराक का बड़ी हद तक बंदोबस्त करते हैं। इनके पास तरह तरह के शाहीन, बाज और जर्रे होते हैं जिनको वो अपने सीधे हाथ पर लिए फिरते हैं और शिकार की तलाश में उड़ाते रहते हैं। औरतें भी घोड़ों पर मर्दों की तरह पैर फैलाकर बैठती हैं और अपने लिबादे पर गहरे नीले कमरबंद लपेटती हैं और सीने पर एक और रुमाल बांध लेती हैं। बीवी को खरीदना पड़ता है, और अगर कोई बीवी खरीदी ना जाए तो बयाह बगैर कुल उम्र की हो जाती है। बेवाएं दोबारा शादी नहीं करती क्योंकि उन लोगों का अकीदा है कि जिस औरत ने एक मर्द की इस दुनिया में खिदमत की, अगली दुनिया में भी वो उसी की होगी। इस वजह से एक बड़ा बतौर रिवाज भी आम है कि बेटा अपनी सगी माँ के अलावा अपने बाप की और सब बेवाओं से शादी कर लेता है। माँ बाप का सारा विरसा सबसे छोटे बेटे को मिलता है और उसे अपने बाप की सब बेवाओं की रोजी का इंतजार करना पड़ता है। औरतें गाड़ियां और छकड़े हंकाती हैं, जानवरों पर बोझ लादती हैं, गायों का दूध दोहती हैं, मक्खन निकालती हैं, चमड़ों की दबागत करती हैं और इस मकसद के लिए रेशों के धागे बनाते हैं। जूते और जुराबें, दो कपड़े और खेमों के लिए ऊनी पारचाजात बनाना भी इन्हीं का काम है। अपने कपड़े कभी नहीं धोती क्योंकि उनका अकीदा है कि कपड़े धोने से खुदा नाराज होता है। बिजली की कड़क से इस कदर डरती हैं कि ताज्जुब होता है। और जब कोई मरता है तो तमाम अजनबियों को अपने खेमे से निकाल बाहर करती हैं और काला समूर ओढ़ देती हैं। जब हाथ या सर लपेटती हैं तो मुंह में पानी भर लेती हैं और आहिस्ता आहिस्ता दोनों हाथों पर कुल्ली करती हैं। जब कोई बीमार होता है तो उसके खैमे पर निशान लगा दिया जाता है कि कोई अंदर ना आए। इसके सिवा और कोई मुगल किसी बीमार के पास नहीं जाता। जब बड़े दरबार के अमीर बीमार होते हैं तो कुछ कुछ फासले पर चौकीदार मुतय्यन कर दिए जाते हैं कि कोई करीब ना आने पाए। उनको इस बात का डर होता है कि अजनबियों के साथ कोई बुरी रूहें या बुरी हवाएं अंदर ना चली आए। वो अपने जादूगरों या नजूमियों को पुजारी समझते हैं। सरहद, दश्त और जरई जमीनों के दरमियानी इलाके में जहां किसी का राज नहीं, सिर्फ चौराहों के मुत्तसिल कस्बे हैं, यहां ताजर आया करते हैं या जानवरों के खाने पीने का बंदोबस्त है। सूखी ईंट की झोंपड़ियां हैं और कहीं एक आध मंदिर या बुद्ध मत की एक आध मुनक्कश खानकाह है। कभी कभी खानाबदोश यहां अपने घोड़े और भेड़े हंकालाते या वो इन दगाबाज ताजरों के हाथों जाड़ों के लिए समूर और तरह तरह की बेश कीमत खालें फरोख्त करते। इन ताजरों के पास आग जलाने के लिए आले हैं, चीनी रेशम और मुनक्कश चमड़े हैं, कढ़ा हुआ कपड़ा, चांदी के हार हैं जिनमें गाहर और जवाहरात सब्त हैं। खानाबदोश औरतें इस सामान की तरफ बड़े शौक से देखती हैं। मुगलों को खुद तो इन ताजरों से नफरत है। वो कस्बे वालों को टोपी और कमरबंद वाले लोग कहते हैं
और इन सौदागरों को हकारत की नजर से देखते हैं, लेकिन खुद मुगलों में टोपी और कमरबंद की बड़ी अहमियत है। कमरबंद खोल के इसे अपने कंधों पर डाल लेना इताअत कबूल करने की निशानी है। जब कबीलों की मजलिस के लिए सरदार का इंतखाब होता है तो कबीले वालों को यह रस्म अंजाम देना पड़ती है। फिर वो नए सरदार को एक ऊनी तख्त पर बिठाकर ऊपर उठाते हैं ताकि सब उसे देख और पहचान सकें, लेकिन वो अपने सरदारों और खानों के अलावा किसी और के सामने बड़ी मुश्किल से सर झुकाते हैं। उन्हें इसका इल्म है कि अगले जमानों में बहुत से काफिले दश्त से बाहर निकल गए थे, कभी आका बनते, कभी किसी की नौकरी करते, लेकिन बूढ़े मुगल इस तरह की नकलो हरकत के मुतालिक अच्छी राय नहीं रखते थे। वो गिला करते हैं, मगरिब और मशरक की तरफ हिजरत करने से क्या फायदा, जंग की हवस से क्या हासिल, इसके सिवा क्या हासिल कि पानी की तरह तुम्हारा खून बहेगा, तुम्हारी हड्डियों का पहाड़ जितना ऊंचा ढेर बनेगा, ताकतवर बेटे अपने कंधों पर गुलामी का जुआ उठाएंगे, तुम्हारी पाक साफ बेटियों की आबरू रेजी होगी। ये बूढ़े मुबस्सर अहले खता का जिक्र बड़ी हकारत से करते थे, जिन्होंने जंगलों को छोड़कर चार दीवारी में रहना शुरू कर दिया था। हमने माना वो तख्तो ताज के मालिक हैं, मगर इससे क्या हासिल, उनके पास हजारों मुगन्नी और नक्काल हैं, वो शहबाजी और शहसवारी में दिन गुजारते हैं, खूब शराब पीते हैं, बेमसरफ आदमी दिल बहलाने के लिए साथ साथ लिए फिरते हैं, और इस तरह वो खाक में मिल गए हैं। बूढ़ों की हुज्जत ये थी कि मुगलों की जिंदगी ज्यादा बेहतर है, वो आजाद हैं, किसी के गुलाम नहीं, उन परिंदों की तरह आजाद जो झीलों पर चहचहाते हुए उड़ते हैं, वो हमेशा इधर उधर फिरते हैं और कहीं मुस्तकिल तौर पर बसेरा करने की जरूरत महसूस नहीं करते। जब वो शराब पीते हैं तो गाते हैं, जाड़ों में हमें जुनूब का खाना मिलता है, हमें शिमाल का खाजा मिले, शिकार में हमें बकसरत जंगली सुअर और हिरन मिले। इसके बरअक्स चार दीवारों में मुतमद्दन कौमों की तरह रहने से आदमी नर्म और कमजोर हो जाता है, गुलामी के काम का रह जाता है कि किसी आका की मजदूरी करे, किसी और का महकूम बन जाए। खाना बदोशी में इंसान बड़ी फराखी में रहता है, इसमें बड़ी कुव्वत बर्दाश्त होती है और वो खुद हुकूमत करने के काबिल रहता है। खाना बदोशों के इस फख्र तकब्बुर का उनके सारे अफाल व अमाल पर बड़ा असर पड़ता था। वो अपनी जात के तहफ्फुज़ के लिए बहुत जी तोड़ कर लड़ते, लेकिन साथ ही साथ मुतमद्दन इलाकों की दौलत की भी उन्हें हवस रहती। उस दौलत पर कब्जा करने से इत्मीनान और चैन और बे इंतहा ज़ियाफ़त और ऐश मयसर हो सकता था। मुगल इसके लिए बेताब थे कि अहले खता और किन यानी जर्री कौम की सारी दौलत, हजारों औरतें, पेट भरकर अनाज, सिधाए हुए शहबाज और बे इंतहा शराब उनके अपने कब्जे में इसी दश्त में आ जाए। करीब था कि इस तरह मुगल नीले भेड़िए की नस्ल के लोग अहले खता की तरह शहरों के कीचड़ में लतपत न होने पाएंगे। कुछ अरसे के लिए मुगल सरहद और अपनी अंदरूनी चरागाहों के हिसार के दरमियान मुतजब्जब रहे। वो दुश्मनों से महफूज थे, लेकिन वहां बर्फानी दुनिया की हवा उनकी ताक में थी और वो तवील रातें जो जुनून की तरह गुजरती थीं। बॉर्जी गौन की नस्ल मुनक़ते हो चुकी थी, अब उनकी सरदारी के लिए नीली आंखों वाले ताकतवर बॉर्जी गौन, जो कि साबित चट्टानों की तरह मजबूत थे और जिनकी रफ्तार तेज रफ्तार चश्मों की सी थी, अब सिर्फ दश्त के अमीर नौयान और घोड़ों के बड़े बड़े गल्लों के मालिक और तरखान बाकी रह गए थे। वो लूट के सामान को अपना हक समझकर रख लेते थे। ये सरहद के पार हमलों और धावों के लिए तैयार थे। दरियाए ओनान और दरियाए कैरोलान के दरमियान की आबाई चरागाहों पर अपना कब्जा जमाए रखे थे, जहां ताकत के पहाड़ बोरखान कालदोन की ढलवाने जनूबी मैदानों के मुकाबले बुलंद होती थी। यहाँ वो अपने मवेशी चराया करते थे। कमतर दर्जे के अमीर, जिनके पास सिर्फ भेड़ों के गल्ले थे, दूसरी चरागाहों की तलाश में लगे रहते थे। उनकी और दूसरे मवेशियों के चरवाहों से लड़ाई ठनी रहती। वो जमीन से ज्यादा करीब थे और शिकार में भी मसरूफ रहते थे। उनके अकब में जंगलों के शिकारी थे जिनका पहचानना मुश्किल है। अभी वो वहशी थे और उनका सरदार नीम साहिर भी होता था और रूहों से बातें करता था और पान गोद और ओवे रात के जंगल में थे। वो उगे हुए दरख्तों के दरमियान रेनडियर या शिवाली आहू की रूह को कलेलें करते देखते। सबसे पीछे वो काली हड्डी वाले लोग थे जो शिमाल मगरिब में जमीन की काश्त करते थे और इस फिक्र में होते थे कि किसी तरह इस वीराने से बाहर निकल चलें। वो जमीन में जड़ पकड़ चुके थे। उनके पास गुलामी के लिए जंग में पकड़े हुए गुलाम नहीं होते थे। उनको हमेशा फाके और भूख की परछाइयां डराती थीं। उनके मुतालिक मशहूर था कि जमीन उनके लिए सख्त है और सूरज उनके लिए चमकता ही नहीं।
गल्लाबानी की वो पुरानी मुनज्जम जिंदगी जिनमें दश्त के हर कबीले की अपनी अलग अलग चरागाह और शिकारगाह थी, जो उसून या कफू के लिए मुख्तस थी, अब खत्म हो चुकी थी। कबीलों में वो यकजहती नहीं रही थी कि वो एक कौम बनकर अपना तहफ्फुज़ कर सकें। उनमें आपस में फूट थी और अमीर गल्लाबानों के अलावा अक्सर को फाका कशी करना पड़ती। मशहूर मौर्रिख रशीदुद्दीन का बयान है कि नौजवान बुजुर्गों का हुक्म नहीं मानते थे। बहुत से लोग चोरी और वारदातें करने लगे। घोड़ों और मवेशियों के गल्लों को चैन न मिलता था। अच्छी नस्ल के घोड़े सवारी के लिए ज्यादा अहम शुमार किए जाते थे और वो थककर बीमार हो जाते और उन्हें मार देना जरूरी हो जाता। जब गल्ले कम होने लगे तो मुगल भूखों मरने लगे। पुरानी खानाबदोशी की जिंदगी का चैन और इत्मीनान खत्म होने लगा और इसकी जगह कबायली खाना जंगी का हंगामा शुरू हुआ। औरतें, मर्दों से ज्यादा दश्त की औरतें अपनी आजादी की दिलदादा हैं। वो अपने खैमों की मलिका हैं। खानदान के असबाब की हिफाजत उनके जिम्मे है। जब मर्द शिकार या हमले या धावे के लिए जाते हैं तो सारा कारोबार जिंदगी चलाती हैं। हालांकि उनके दिन रात इस फिक्र में गुजरते हैं कि कल मालूम नहीं क्या पेश आए। उस अहद की मुगल औरतें मर्दों के से कपड़े पहनती हैं। भेड़ के चमड़े के ऊंची एड़ी के जूते, अक्सर शोख रंग के चमड़े के पाजामे और चौड़े चौड़े कोट जिन्हें वो सीने पर लपेट लेती हैं। ये सिर्फ इतना फर्क है कि अगर कहीं से रेशम मिल जाए तो वो इसे शौक से पहनती हैं। उनकी टोपियां अलबत्ता मर्दों से मुख्तलिफ हैं क्योंकि उन्हें चौड़े समूर के किनारे पसंद नहीं, जो गर्मियों में ऊपर उठा दिए जाएं और कंधों तक पहन लिए जाएं। गल्लों की हिफाजत के लिए उन्हें भी अपने मर्दों की तरह दिन भर में 70-70 मील सवारी करनी पड़ती है। उनका निकाब अगर है तो वो सफेद कपड़ा जो उनकी आंखों के नीचे से सीने तक लटका होता है, ताकि उन्हें गर्द और आंधी से महफूज रख सके। वो तीरों से भेड़ियों का शिकार खेलती हैं और अक्सर मैदान जंग में मर्दों के हमराह जाती हैं। कभी कभी वो जंग में खुद भी शरीक हो जाती हैं। खानदान की माली हालत की नाकामयाबी या कामयाबी का इन्हिसार इन्हीं पर है। वो समूरों पर इस्त्री करने के लिए जानवरों की आंतों को सुखा के तांत बनाती हैं, नमक डाल के चमड़ों को सुखाती हैं, दूध को, जो उन लोगों के लिए बेशकीमत गिजा है, चमड़े के थैलों में हिला हिला के जमा देती हैं, गोबर जमा करके उपले बनाती हैं और सुखाती हैं। खेमे में फर्नीचर इतना मुख्तसर होता है कि सारे का सारा एक जानवर की पीठ पर लादा जा सकता है। मुनक्कश संदूक, लोहे के बर्तन और जौ और सूखे हुए गोश्त से भरे हुए चमड़े के थैले। कभी कभी सूखा गोश्त जीन के नीचे रख दिया जाता है कि घोड़े की पीठ की गर्मी और हिचकोलों से नर्म हो जाए। जब खाना खाना हो तो सूखे हुए दूध के टुकड़े पानी की थैली में डाल दिए जाते हैं और घोड़े के चलने से पानी में घुल जाते हैं। ये ऐसे मौकों पर किया जाता है जब सवारों को नीचे उतरकर खाना पकाने की मोहलत ना हो। हर चीज घर भर के काम आनी चाहिए। औरतों को बैरूनी दुनिया का सामान बहुत पसंद है। घोड़ों की दुम की बालों से वो सवारों के लिए मोरछल बनाती हैं। गेर में वो सबके हिस्से का खाना निकालती हैं, खाना पकाती हैं। जब मेहमान आते हैं तो वो खेमे के दरवाजे के दाएं जानेब अपने शौहर के कदमों के पास बाएं तरफ बैठती हैं, क्योंकि बाएं तरफ दिल होता है। हर बीवी का खैमा अलग होता है और अमीर घरानों में हर एक के नौकर भी अलग अलग होते हैं। जब मियां मर जाता है तो पहली बीवी पर इस कदर जिम्मेदारी आन पड़ती है कि उसे मातम तक की मोहलत भी नहीं मिलती। अब वो घर की मालिक बन जाती है और घर के कारोबार की जिम्मेदारियां। हाँ, अगर शौहर का कोई जवान बेटा या भाई हो और वो उसके फराइज संभाल ले तो और बात है। और कामों की नौजवान लड़कियों को फुर्सत नहीं मिलती। उनका काम है कि वो बड़ी बूढ़ी औरतों का हाथ बटाएं। उस वक्त तक उनकी कोई अहमियत नहीं होती जब तक उन्हें कोई शादी के लिए खरीद ना ले या बगा ना ले जाए। इसके बाद वो अपने लंबे लंबे बालों की चोटी गूंध सकती हैं, माथे के सर के बाल मूड़ सकती हैं, फूलों का गुलदस्ता पहन सकती हैं और अगर शौहर अमीर हो तो सोने का कंगन पहन सकती हैं। ये शौहर उनके अपने रफीकों में से नहीं होता। दश्त का कानून यह है कि शादी कबीले से बाहर करनी चाहिए, इसलिए दुल्हनें अपने औरोद छोड़ के अजनबियों के कबीले में बच्चों की मां बनती हैं और बच्चों को पालती हैं। पहले लड़के की पैदाइश से उनकी इज्जत बढ़ जाती है, इससे पहले नहीं। मुगलों की जरबुल मसल है, जवान औरत के गेसू लंबे और अक्ल कोता होती है। इन दायम खानाबदोश खैमागाहों में मर्दों के साथ साथ रहने की वजह से हसीन लड़कियों को मर्दों से अपनी हिफाजत करना पड़ती है या फिर मर्दों से शादी कर लेना पड़ती है। एक जरबुल मसल है, लड़की की अगर माँ ना हो तो वो आवारा हो जाती है। वैसे अगर कोई लड़की आवारा हो जाए तो ये दश्त वालों के नजदीक ऐसी ज्यादा बुरी बात नहीं, क्योंकि दश्त का दादा जल्दन इश्क मोहब्बत में तजरबेकार औरत को बुजदिल लड़की पर तरजीह देता है। खानाबदोश औरत
जब माँ बन जाए तो उसे भटके हुए मुसाफिरों, खासतौर पर चालाक शामानों से होशियार रहना पड़ता है, जो उस पर मोहब्बत का जादू कर देते हैं।